वेलकम टू माई चैनल नेवी रॉक्स टीम्स। तो मैं आप लोगों के लिए आ गया हूँ ये मैच कवर करने, जो कि खेला जाएगा NBA US वर्सेस MIA के बीच 3 घंटे 10 मिनट बाद। बात करूँ भाई इस मैच की फाइनल टीम आपको लाइनअप्स के बाद कहाँ मिलेगी, इस मैच की फाइनल टीम आपको लाइनअप्स के बाद मिलेगी मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है ABROCKS ड्रीम 11 टीम्स। तो फटाफट आकर इस पर जुड़ो और इधर आप पा सकते हो 100% विनिंग टीम हर मैच की एंड भाइयों जीत सकते हो कुछ ऐसे। तो अभी भी ये मैच अल्ट्रा क्लीन स्वीप मार रहे हैं भाइयों ये वाले, जैसे कि आप आके देख सकते हैं टीम ओपन दी थी इनकी और सुबह तक इनका रिजल्ट आ ही जाएगा क्योंकि भाइयों अभी तक कोई इतना जागेगा नहीं इतनी देर तक मैच के लिए। बाकी आप एक बार ग्रुप का नाम ध्यान से देख लो कि आपको इधर टीम मिल जाए, लेकिन जो मैं आपको टीम देने वाला हूँ एक तरह फाइनल है, लेकिन अगर कोई भी लाइनअप्स में ऊपर नीचे होता है कोई चेंजेस होगा तो वो आपको मैं बता दूंगा कि अगर कोई चेंजेस हो भी जाए तो आपने कौन सा प्लेयर आपके लिए बेस्ट है। बाकी चलते हैं आगे। टीम सेव कर ली थी, ये इंटरनेट कनेक्शन के कारण भाई शो नहीं कर रही दोबारा से, जैसे कि आप ये देख सकते हैं ड्रीम इलेवन में प्रॉब्लम आ रखी है काफ़ी लोगों के साथ हो रहा है ये, अब दोबारा से क्रिएट करनी पड़ेगी भाई। कोई बात नहीं, जो मेरे पास जो मैंने क्रिएट की थी वो करनी पड़ेगी, ये आप देख सकते हैं भाई। हाँ तो भाई चलिए अब आपको टीम दिखाते हैं। सबसे मेन बात लो भाइयों, सबसे मेन प्लेयर की जिसको है पॉइंट गार्ड जी ड्रैजिक ओपनिंग फाइव में आता है और हर मैच में भाइयों 30-35 पॉइंट मारने की क्षमता भी रखता है। बहुत ज़बरदस्त प्लेइंग चल रही है, लेकिन पिछले मैच में बहुत कम चला था, लेकिन आज भाई उसके चलने के चांसेस ज़्यादा हैं। बात करूँ शूटिंग गार्ड की तो एम स्मार्ट भाई शुरू से अब तक ओपनिंग फाइव में आता रहा है और हर मैच में अच्छा तो चलता ही है। लेकिन अगर मैं वहीं से बात करूँ एक और प्लेयर की जिसका नाम है जे बटलर के साथ आप जाओ तो ग्रैंड लीग में जा सकते हो, लेकिन ग्रैंड लीग में बस आप इसको एक टीम में ले सकते हो। एम स्मार्ट को चुना। टी हीरो की बात करूँ, टी हीरो ओपनिंग फाइव में नहीं आता, लेकिन इस प्लेयर मतलब ये अगर प्लेयर आपकी टीम में है तो ये आपको जितवा के जाएगा ही जाएगा। इसकी सिलेक्शन बहुत पहले कम हुआ करती थी, लेकिन अब तो काफ़ी हाई है। बात करूँ भाई स्मॉल फॉरवर्ड की तो जे ब्राउन ओपनिंग फाइव में हो या ना हो, लेकिन 40-50 पॉइंट ये आपको दे के जाएगा ही जाएगा। लेकिन ये ओपनिंग फाइव में होता है इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब आप शुरू से एंड तक जीतोगे ही। बात करूँ पावर फॉरवर्ड की तो यहाँ से एक और प्लेयर लूँगा जिसका नाम है जे टैटम भी बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है भाइयों, हर मैच में 60-70 पॉइंट मारने की इसके अंदर पूरी पूरी क्षमता और बहुत ही ज़बरदस्त खेलता है। आगे से बात करूँ यहाँ से लूँगा एक और प्लेयर जिसका नाम है भाइयों जे क्राउडर, जो कि भाइयों ये प्लेयर कैसा है मतलब नॉर्मल खेलता है, चाहो तो आप इसकी जगह विलियम्स भी चुन सकते हो, लेकिन अगर इन दोनों में मैं बात करूँ तो भाई जे क्राउडर ज़्यादा बढ़िया है। बात करूँ सेंटर की तो यहाँ से लूँगा डी थाइस, जो कि पिछले मैच में बहुत कम चली थी ये टीम, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि कुछ खास करेंगे। लेकिन MIA के एक अगले प्लेयर की बात करूँ जिसका नाम है क्योलिंग है, अनएक्सपेक्टेड प्लेयर है, या तो कई बार तो इतना अच्छा खेलेगा आपका मन करेगा भाई हाँ ले लेते हैं, कई बार इतना बेकार खेलेगा कि आप बोलोगे क्यों ले लिया। बात करूँ कैप्टन वाइस कैप्टन की तो मेरा कैप्टन रहने वाला है जे टैटम एंड वाइस कैप्टन जे ब्राउन, तो ये रही मेरी टीम। बाकी भाई ये जो जे ब्राउन है ये आपको लेट पॉइंट देगा, मतलब मैच के एंड तक ये आपको अच्छे खासे पॉइंट दे देगा। मिलता हूँ भाई अगली वीडियो में अगले मैच के प्रेडिक्शन के साथ। अभी के लिए बाय फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ।